स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा वीडियो है मॉर्फोलॉजी के ऊपर और वो है रूट, मूल को स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करें उससे पहले बता दें कि आप सभी को मालूम है मैंने एक वीडियो डाला था और उसमें मैंने कहा था कि इस ईयर में अक्टूबर से लेकर और नेक्स्ट ईयर 2021 तक जब तक नीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए ट्वेल्थ और नीट का बैच चालू कर रहे हैं हम लोग। तो मैंने कहा था कि आपकी ओपिनियन चाहिए मुझे कि उसको चालू करें या ना करें, इसलिए आप भरपूर उसके ऊपर मैसेज भेजें जो हम लोगों ने नंबर प्रोवाइड किया है, कॉल करें यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके ऊपर आप ले सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर टेक्स्ट मैसेज करके यस और नो लिखें, अपना नाम लिखें, अपना मीडियम लिखें, पूरी जानकारी दें और वही आधार बनेगा कि हम बैच चालू करें या नहीं करें। ये बैच बहुत 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 आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है, हो सकता है, इसलिए आपको वो बैच ज्वाइन करना चाहिए। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं मूल यानी कि रूट। अब सबसे पहले तो मूल कैसे विकसित होती है, क्या है उसको देखिए। आप सब जानते हैं कि बीज के अंदर, सीड के अंदर क्या होता है, भ्रूण होता है और इस भ्रूण से जब ये जब बीज अंकुरित होता है तो इसी भ्रूण से क्या बनता है, मूलांकुर का निर्माण होता है। मूलांकुर समझते हैं ना, रेडिकल, और यही रेडिकल आगे चलकर क्या बनाती है, मूल बनाती है, रूट बनाती है। आर यू गेटिंग ऑन? तो बीज के अंदर भ्रूण है, भ्रूण से मूलांकुर बनता है और मूलांकुर से क्या बनती है, मूल बनती है। यदि मैं रूट्स के टाइप्स की बात करूं, तो रूट्स को बेसिकली तीन श्रेणियों में बांटा गया है, राइट। सबसे पहले टैप रूट जिसको कि बोलते हैं हम मुसला मूल, दूसरी जो होती है वो होती है रेशेमय मूल जिसको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, और थर्ड कैटेगरी की जो रूट्स हैं वो है अपस्थानिक मूल या एडवांटेजियस रूट्स। क्लियर? सो यदि हम रूट्स की बात करते हैं तो रूट्स तीन प्रकार की है, टैप रूट यानी कि मुसला मूल, रेशेमय मूल और अपस्थानिक मूल, राइट। इसको हम जकड़ा मूल भी कहते हैं, ठीक है, फाइब्रस रूट। सबसे पहले वन बाय वन करके पढ़ते हैं। द वेरी फर्स्ट इज हम पढ़ने जा रहे हैं टैप रूट। ये टैप रूट किस में पाई जाती है और क्या है? तो यह डाइकॉट्स द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है, द्विबीजपत्री पादपों में पाई जाती है। इन पादपों में क्या होता है भाई, इन पादपों में मूलांकुर से प्राथमिक मूल का क्या होता है, निर्माण होता है। डाइकोट प्लांट्स में क्या होता है बेटा, इन पादपों में जो मूलांकुर होता है अपना रेडिकल, इन पादपों में मूलांकुर से प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। कैसे? ये जो पादप है ना, इनके अंदर मूलांकुर निकलेगा, ये मूलांकुर भूमि की तरफ बढ़ता है और फिर इससे प्राथमिक मूल का क्या होता है, निर्माण होता है, प्राइमरी रूट का निर्माण होता है। आर यू गेटिंग? क्या कहा मैंने, इन पादपों में मूलांकुर से प्राथमिक मूल का निर्माण होता है। यह प्राथमिक मूल भूमि की गहराई में पाई जाती है, मतलब सुपरफिशियल नहीं होती है। यह भूमि की कहां पर होती है भाई, गहराई में पाई जाती है। इस प्राथमिक मूल से
इस प्राथमिक मूल से पार्श्व मूलें निकलती है, पार्श्व मूलें निकलती है। पार्श्व मूलें समझते हैं, लेटरल रूट्स। इन प्राथमिक मूल से पार्श्व मूलें निकलती है जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक मूलें कहते हैं, जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक मूलें कहते हैं, मतलब समझ में आ रहा है, सेकेंडरी एंड टर्शियरी रूट्स कहते हैं। क्लियर है? तो यह प्राथमिक मूल भूमि की गहराई में पाई जाती है। इस प्राथमिक मूल से पार्श्व मूलें निकलती है जिन्हें द्वितीयक व तृतीयक मूलें कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये भूमि की गहराई है, ठीक है, ये सॉइल है और यहां से एक रूट निकली ऐसे, तो ये तो क्या होगी जो भूमि की गहराई में पाई जा रही है, ये तो हो गई प्राथमिक मूल। ये प्राथमिक मूल किससे बनी होगी भाई? मूलांकुर से बनी है, राइट। और मूलांकुर किससे बना? बीज के अंदर स्थित भ्रूण से बना है। तो ये तो प्राथमिक मूल हो गई। अब इस प्राथमिक मूल से पार्श्व में ऐसी मूल निकलती, ये देखो ऐसे, राइट। ये जो है ये क्या चीज है? पार्श्व मूलें हैं, इनको बोलते हैं द्वितीयक मूलें। ये द्वितीयक मूलें हैं और इन द्वितीयक मूलें वापस से इनसे क्या निकलती है? ऐसे, ये क्या है? तृतीयक मूलें निकलती है। क्लियर? तो यहां पर हम लिख देते हैं ये क्या चीज है, तृतीयक मूलें, तृतीयक मूलें। क्लियर? तो ये जो आपके सामने बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है? टैप रूट सिस्टम बना हुआ है। ये जो बना हुआ है आपके सामने, ये क्या है? दिस इज द टैप रूट सिस्टम। ये टैप रूट सिस्टम है। क्लियर? ये क्या है भाई? टैप रूट सिस्टम। इज इट क्लियर? तो क्या मैं यूं कह सकता हूं कि यहां पर देखिए, प्राथमिक मूल व उसकी शाखाएं मिलकर और क्या बनाती है? टैप रूट सिस्टम बनाती है। इज इट क्लियर? क्या कहा मैंने? प्राथमिक मूल व उसकी शाखाएं मिलकर और टैप रूट सिस्टम बनाती है, जो कि डाइकोट्स की विशेषता है। यहां पर लिख देते हैं हम लोग, प्राथमिक मूल व उसकी शाखाएं मिलकर टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल बनाती है। आ गया समझ में? प्राथमिक मूल व उसकी शाखाएं मिलकर और क्या बनाती है? टैप रूट सिस्टम या मूसला मूल बनाती है। क्लियर? और ये किसकी विशेषता है? डाइकोट्स की। ये किसकी विशेषता है? डाइकोट्स की। एग्जांपल, डाइकोट्स जैसे कि मस्टर्ड, जैसे मस्टर्ड सरसों एक डाइकोट है ना भाई। क्लियर है? अब आ जाते हैं द सेकेंड वन, और वो है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स यानी कि तंतुमय मूल, तंतुमय या रेशेमय या जकड़ा मूल। क्या होता है फाइब्रस रूट? क्या होता है? तो याद रखो, एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है। प्राथमिक मूल कैसी होती है? अल्पजीवी होती है एवं शीघ्र ही तने के आधार भाग से इनमें क्या होता है? प्राथमिक मूल तो अल्पजीवी होती है एवं शीघ्र ही तने के आधार भाग से
रेशमी मूलें मूलें समूह में निकलती है। बात समझ में आ रही है? क्या कहा मैंने? एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल तो क्या होती है? अल्पजीवी होती है एंड शीघ्र ही क्या हो जाती है? रिप्लेस हो जाती है, है ना? क्या हो जाती है? शीघ्र रिप्लेस हो जाती है एवं शीघ्र तने के आधार भाग से रेशमी मूलों मूलें समूह में निकलती है। तो एक बीजपत्री पादपों में प्राथमिक मूल अल्पजीवी होती है एवं शीघ्र ही इन पादपों में शीघ्र ही तने के आधार भाग से रेशमी मूलें समूह में निकलती। ऐसे ये देखो, ऐसे 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 पूरा का पूरा। यदि आपने कभी गेहूं का पादप झट से उखाड़ के देखा हो तो वो कैसा होता है आप देख सकते हो। आर यू गेटिंग? झट से यदि आपने उखाड़ के देखा हो तो आप देख सकते हैं। तो बताओ फाइब्रस रूट क्या है? बड़ा सिंपल सा है। एक बीजपत्री पादप में प्राथमिक मूल तो क्या हो जाती है? अल्पजीवी होती है वो। आर यू गेटिंग? और शीघ्र ही क्या हो जाती है? तने के आधार भाग से इन पादपों में रेशमय मूलों का क्या निकलता है? समूह निकलता है। ये क्या है? रेशमय मूल है ये। बस क्योंकि ये मूल रेशमय होती है इसीलिए इनको रेशमय मूल या तंतुमय मूल या जकड़ा मूल कहते हैं। सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है इनका? द बेस्ट एग्जाम्पल इज जैसे कि वीट, है ना, गेहूं। क्लियर है? अब थर्ड टाइप के ऊपर आते हैं और वो है, इट इज अपस्थानिक मूल। अपस्थानिक मूल एडवांटेशियस रूट, एडवांटेशियस रूट। इसमें क्या होता है? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से मूल का निर्माण होता है। क्लियर है? क्या कहा मैंने? मूलांकुर के अतिरिक्त मतलब रेडिकल के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से मूल का निर्माण होता है तो उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं भाई? अपस्थानिक मूल कहते हैं। ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देता हूं, बरगद में अपस्थानिक मूलें पाई जाती है। आपने देखा होगा यदि बरगद का वृक्ष देखा है तो उसकी जो शाखाएं होती है ऐसे, उससे नीचे की तरफ कुछ रूट्स हैंग करती है। ये देखा होगा आपने ऐसे, है ना? तो ये जो रूट्स है वास्तव में आपने सुना होगा इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। तो ये वास्तव में जो है वो अपस्थानिक मूल है। ठीक है? तो अपस्थानिक मूल क्या होती है? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से, क्या कहा मैंने? मूलांकुर के अतिरिक्त पादप के किसी अन्य भाग से मूल का निर्माण हो, राइट? तो उसे अपस्थानिक मूल कहते हैं। जैसे बरगद में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। अपस्थानिक मूल का एक ही उदाहरण नहीं है, मैं आने वाले वीडियो के अंदर बहुत सारी अपस्थानिक मूलों के रूपांतरण पढ़ाऊंगा। उसमें से एक एग्जांपल अभी मैंने दिया है बरगद। ठीक है? तो बरगद के अंदर जो मिलने वाली प्रॉप रूट्स होती है वो वास्तव में अपस्थानिक मूल है। क्लियर है? यहां पर फाइब्रस रूट में क्या हुआ था? प्राथमिक मूल तो अल्पजीवी थी और शीघ्र ही उसकी जगह पर, है ना, प्राथमिक मूल के स्थान की जगह पर क्या होता है? वहां पर तने के आधार भाग से रेशमी मूलें क्या निकलती है? समूह में निकलती है, जैसे कि आपने वीट वगैरह के अंदर देखा है। तो ये तीन प्रकार की तो क्या होगी? रूट्स होगी। आर यू गेटिंग? अब आ जाते हैं कि मूल के क्या क्या लक्षण होते हैं। मुख्य लक्षण जो है मूल के वो क्या क्या है वो देखिए। तो हम आ जाते हैं मूल के मुख्य लक्षण, मेन कैरेक्टर्स। मूल के मुख्य लक्षण,
देखो खूब सारे लक्षण पढ़ाता हूं मैं। सबसे पहले पहली बात, मूल धनात्मक जलानुवर्ती होती है। मतलब ये जल जिधर होता है, जल का सोर्स जिधर होता है उधर बढ़ती है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिवली कैसा होगा, हाइड्रोट्रॉपिक। ठीक है, जिधर जल होता है उधर बढ़ती है। नंबर दो, मूल जो होती है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, गुरुत्वानुवर्ती होती है। धनात्मक गुरुत्वानुवर्ति का मतलब समझते हो, गुरुत्वाकर्षण बल की तरफ हमेशा नीचे जाएगी चाहे कुछ हो जाए। तो ये पॉजिटिवली क्या होती है, जियोट्रॉपिक होती है, राइट। तीसरा, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ति होती है, मतलब प्रकाश से दूर रहती है, तो हम कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ठीक है, चौथा, मूल में हरित लवक अनुपस्थित होता है, हरित लवक अनुपस्थित है। इसका मतलब मूल जो हो गई वो कैसी हो गई भाई, नॉन ग्रीन हो गई है। मूल कैसी होती है, नॉन ग्रीन। पांचवा पॉइंट और क्या है, तो मूल जो है, मूल पर पर्व व पर्व संध्याएं एब्सेंट होती है, तने पर होती है ना नोट्स एंड इंटरनोट्स, तो पर्व और पर्व संध्याएं क्या है, एब्सेंट है। और क्या है, मूल पर कलिकाएं यानी कि बड्स एवं पत्तियां अनुपस्थित होती है। पत्तियां क्या होती, अनुपस्थित होती है। और क्या है भाई, और क्या क्या है, मूल शीर्ष पर, मूल शीर्ष, मूल का जो शीर्ष होता है, मूल शीर्ष पर रूट कैप यानी कि मूल गोप उपस्थित, जो शीर्ष को मिट्टी के घर्षण से बचाती है, मिट्टी के घर्षण से बचाती है। मूल शीर्ष पर रूट कैप उपस्थित होती है जो मूल शीर्ष को मिट्टी के घर्षण से बचाती है। ठीक है, तो यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एट्थ पॉइंट पे आते हैं, मूल पर एक कोशिकीय मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम समझते हो ना सभी, रूट हेयर्स। मूल पर एक कोशिकीय मूल रोम उपस्थित, और आपको मालूम है ये मूल रोम जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के अंदर मदद करेंगे। नाइन्थ पॉइंट, मूल में अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं। अरीय समझते हो ना, रेडियल संवहन पुल पाए जाते हैं, अरीय संवहन पुल पाए जाते हैं, है ना। एवं जाइलम व फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर, अलग अलग त्रिज्या पर एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, एकांतर क्रम में पाए जाते हैं। समझते हो ना, एनाटॉमी के अंदर पढ़ा होगा ये, यहां पर बना देता हूं मैं, है ना। इस तरीके से वैस्कुलर बंडल्स कैसे होते हैं, देखो ऐसे, ठीक है। ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये फ्लोएम तो ये जाइलम, ये फ्लोएम तो ये जाइलम। आप देख सकते हो नंबर ऑफ जाइलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम एकांतर क्रम में पाए जाते हैं, और जाइलम और फ्लोएम एक ही त्रिज्या पर, यहां पर देखो
जाइलम फ्लोएम अलग अलग त्रिज्या पर पाए जाते हैं, एक त्रिज्या के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। आर यू गेटिंग? तो ये सारे के सारे जो लक्षण है किसके है भाई, मुख्य लक्षण है किसके, रूट्स के। ऑल दीज आर द मेन करेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द रूट्स। अब आ जाते हैं कि कुछ विशिष्ट बातें, ठीक है, कुछ विशिष्ट बिंदु। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर। अब आ जाते हैं कुछ विशिष्ट बिंदु हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए, इस रूट्स के लिए। अच्छा, एक विशेष बिंदु और लिख देना, एक पॉइंट और एडअप कर देना लास्ट में, इसी बिंदु के साथ में, इन्हीं बिंदुओं के साथ में, है ना, मुख्य लक्षण में ही एक ऐड कर लेना, जो मैं दो तीन बार अभी बता चुका हूं कि मूल का निर्माण किससे होता है भाई, मूलांकुर से होता है, मुख्य मूल का निर्माण, है ना, मूल का निर्माण किससे होता है भाई, मूलांकुर से होता है। एक ये पॉइंट और एडअप कर लो, और दूसरा पार्श्व मूले, पार्श्व मूलों का निर्माण, पार्श्व मूले समझते हो, वो जो मुख्य मूल के अलावा, प्राथमिक मूल के अलावा द्वितीयक और तृतीयक मूले होती है, उनको क्या बोलते हैं, पार्श्व मूले। पार्श्व मूलों का निर्माण निर्माण परिरंभ से होता है, एनाटॉमी में पढ़ा होगा, पेरिसाइकल। पार्श्व मूलों का निर्माण परिरंभ से होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति कैसी होती है भाई, इनकी उत्पत्ति वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंतर्जात होती है, एंडोजीनियस होती है। ठीक है, पार्श्व मूलों का निर्माण परिरंभ से होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, अंतर्जात होती है। क्लियर? तो पार्श्व मूलों का निर्माण परिरंभ से होता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति अंतर्जात, क्योंकि परिरंभ तो अंदर का भाग है ना। ये भी दो पॉइंट्स मुख्य लक्षण के अंदर ऐड कर लो। क्लियर, मुख्य लक्षण हो गए। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स। सम प्लांट्स डू नॉट हैव रूट्स। कुछ पादपों में मूल अनुपस्थित होती है। सोचो हम मूल पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ पादप ऐसे हैं जिनमें मूल अनुपस्थित होती है। रूट्स आर टोटली एब्सेंट। जैसे कि उदाहरण देता हूं, आपको कभी पूछ लिया जाए कौन कौन से प्लांट है जिनमें की रूट्स ही नहीं होती है, तो देखो बेलिनोफोरा, राइट, दूसरा कस्क्यूटा, तीसरा माइरियोफिलम, और सेरेटोफिलम, और यूट्रिकुलेरिया। ये पांच प्लांट भैया ऐसे हैं जिनके अंदर रूट्स ही नहीं होती, टोटली रूट्स आर एब्सेंट। और ये तो पहला बिंदु हुआ। दूसरा खास बिंदु बताना चाहूंगा कि पोडोस्टिमोन, इसमें पूरा पादप ही मूल है, एंटायर प्लांट इज रूट, अरे भाई पादपों के अंदर तो क्या होता है, मूल होता है, तना होता है, पत्ती होती है, पुष्प होता है, फल होते हैं, या कुछ नहीं, पूरा पादप ही क्या है, मूल है, पोडोस्टोमोन। एवं यह एसिमिलेशन व रिप्रोडक्शन को संपन्न करती है, संपन्न करती है, मतलब इसमें स्वांगीकरण भी होता है। स्वांगीकरण समझते हो, स्वांगीकरण का मतलब क्या है, भोजन बनाना, स्वांगीकरण और जनन का सामर्थ्य भी होता है। स्वांगीकरण और जनन दोनों का इसके अंदर पावर होता है, क्यों, क्योंकि पत्तियां है नहीं, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, पूरा पादप ही मूल है, तो ये एसिमिलेशन और जनन दोनों को ये पादप की जो मूल है वो संपन्न करती है। तो पोडोस्टोमोन पूरा के पूरा ही एक तरीके से क्या है, मूल है। क्लियर है? तो ये स्पेशल करेक्टर क्लियर,
अब लास्ट में हम आ जाते हैं और वो है मूल के कार्य। मूल के क्या कार्य हैं वो आप देख लीजिए। मूल के कार्य तो कुछ कार्य तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब मूल रूपांतरित हो जाती है तो बहुत सारे अन्य कार्यों को भी क्या करती है, संपन्न करती है। ठीक है, तो हम पहले इसके मुख्य कार्यों के ऊपर अभी रोशनी डालेंगे। मुख्य कार्य क्या क्या है भाई? नंबर वन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वॉटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सॉइल, भूमि से जल प्लस मिनरल्स को अवशोषित करना। ये तो पहला रोल हो गया भैया। दूसरा, पादप को मृदा में स्थिर बनाए रखना, मतलब यदि मूल नहीं होगी तो प्लांट सीधा खड़ा नहीं रह पाएगा, मतलब इसको मैं कह सकता हूं गिव एनकरेज टू प्लांट्स, है ना, मूलों में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स का भी संश्लेषण होता है, वृद्धि हार्मोन्स का भी संश्लेषण होता है, राइट। मूलों में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स का भी संश्लेषण होता है, ये पादपों को मृदा में स्थिर बनाए रखने का काम करती है। चौथा, मूलों में भोजन का संग्रह भी होता है, राइट। मैंने अभी मूल के रूपांतरण से जो कार्य संपन्न होते हैं वो नहीं बताया, मैंने क्या बताया, केवल मुख्य कार्य बताया, भूमि से जल और मिनरल्स को अवशोषित करना, पादप को मृदा में स्थिर बनाए रखना, मूलों में कुछ ग्रोथ हार्मोन्स का संश्लेषण भी होता है, और मूलों में भोजन का क्या होता है, संग्रह होता है। ये मुख्य कार्य, रूपांतरण वाले जो कार्य संपन्न होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ूंगा। तो आज के लिए इतना ही, आज मैंने मॉर्फोलॉजी के वीडियो पढ़ाना शुरू किया, आने वाले दिनों के अंदर मॉर्फोलॉजी के ऊपर भी ढेर सारे वीडियो आएंगे, और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में जो अधूरे वीडियो चल रहे हैं वो भी मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उनको डालने की करूंगा। ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट, हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।